हेलो दोस्तों, आज फिर से एक बार मैं आपके लिए एक मज़ेदार इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑक्शनल संख्या कैसे निकालें आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखने पर आप हर योगी की मात्र 5 सेकंड में ऑक्शनल संख्या निकालना सीख जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। सबसे पहले मैं आपको ऑक्शनल संख्या क्या है इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। तो इसकी डेफिनेशन है, एक यौगिक में किसी तत्व के एक परमाणु पर स्थित धन या ऋण आवेशों की संख्या को उस तत्व की औक्षण संख्या कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है Na+, तो इसकी औक्षण संख्या होगी प्लस के बन, और इसके है क्लोरीन यानी कि इसकी इस पर माइनस का आवेश है, तो इसकी औक्षण संख्या हो जाएगी माइनस के बन। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई औक्षण संख्या। दोस्तों औक्षण संख्या निकालने के लिए आपको ये तीन पॉइंट आपको याद रखने हैं और आपका औक्षण संख्या निकालना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका पहला पॉइंट है वर्ग फर्स्ट ए, यानी कि जो क्षार धातु हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इन सब की औक्षण संख्या प्लस वन होती है, ये या आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है वर्ग सेकंड है, जो क्षारीय मृद धातु होती हैं इन बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रॉन्शियम, इन सब की औक्षण संख्या होती है प्लस टू, ये या आपको याद रखना है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है वर्ग सेवन्थ है, जो हेलोजन फैमिली होती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की औक्षण संख्या होती है माइनस वन, और एक तत्व है ये ऑक्सीजन, इसकी औक्षण संख्या होती है माइनस टू। इतना दोस्तों आपको याद रखना है और आप औक्षण संख्या निकालना सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं पहले एग्जाम्पल पर। तो दोस्तों इसका पहला एग्जाम्पल है H2SO4 में सल्फर की औक्षण संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर सल्फर की औक्षण ज्ञात करनी है, जिसकी औक्षण संख्या हमें ज्ञात करनी होती है उसे एक्स मान लो, जेड मान लो, कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और बाकी से मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन है और ये दो गुणाम होता है, दो हो ये चार हो ये सब इनके गुणाम होता है, यानी कि दो ये गुणा के जाएगी दो, और हाइड्रोजन की कितनी होती है मैंने आपको बताया था, ये हाइड्रोजन की प्लस वन होगी। ठीक है, तो यहाँ से प्लस वन ले लेंगे, गुणा के वन प्लस के एस, जिसकी निकालनी है उसे एक्स मान लेंगे, फिर प्लस लगा लेंगे, और ये चार है इसके गुणा में लगेगा, और गुणा के ऑक्सीजन की कितनी है, ऑक्सीजन की यह मैंने आपको बताया था यहाँ पर माइनस टू। ठीक है, तो ये माइनस के टू यहाँ से ले लेंगे, और बराबर के बाद में अगर इस यौगिक पर अगर कोई चार्ज होता माइनस का या प्लस का तो वो इधर लिख देते हैं, अगर कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पर जीरो लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, और बाकी से सोल्व कर लेंगे, इस प्रकार इसके औक्षण संख्या निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दो आएगा प्लस, ये एक्स आ जाएगा, और ये इसके प्लस माइनस, ये माइनस होता है, और चार के दो से गुणा करेंगे आठ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये एक्स माइनस के सिक्स आएगा, आठ में से दो जाएंगे छः बचेगा, बराबर के जीरो, और एक्स बराबर के आ जाएगा प्लस के छः। तो ये आ गई सल्फर की औक्षण संख्या प्लस के छः। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है KMnO4 में Mn की औक्षण संख्या होगी। तो यहाँ पर Mn की बतानी है दोस्तों, तो हमें सबसे पहले पोटेशियम की लिख देनी है। देखो दोस्तों पोटेशियम की औक्षण संख्या कितनी है, ये मैंने आपको बताया था इसमें कि वर्ग फर्स्ट में पोटेशियम की औक्षण संख्या है प्लस के बन, तो यहाँ से प्लस के बन ले लेंगे, ये आ गई बन, और फिर प्लस का चार्ज लगाएंगे, Mn की निकालनी तो इसे एक्स मान लेंगे, और फिर ऑक्सीजन पर चार्ज, चार वो हैं चार ऑक्सीजन के परमाणु, तो ये चार ले लेंगे, और गुणा की एक ऑक्सीजन के परमाणु की ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है माइनस के टू होती है, तो ये माइनस के टू ले लेंगे, बराबर के इस पर कोई चार्ज नहीं है इसलिए यहाँ पर जीरो लगा देंगे। अगर इस पर कोई चार्ज होता यौगिक पर, प्लस का हो चाहे माइनस का हो, जितने चार्ज होंगे उतने ही यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अभी आगे इसका एग्जाम्पल आएगा वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा प्लस के वन प्लस एक्स, और ये आ जाएगा माइनस के आठ बराबर के जीरो। ठीक है दोस्तों, और ये आ जाएगा एक्स माइनस के सात बराबर के जीरो, और एक्स बराबर आ जाएगा ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा प्लस के सेवन, तो इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी हो जाएगी प्लस के सेवन। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आगे बताऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या होगी। तो यहाँ पर बतानी है ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को एक्स मान लेंगे, प्लस का चार्ज लगाएंगे, फ्लोरीन के कितने दो परमाणु हैं, तो यानी कि दो और गुणा के लगा देंगे, फ्लोरीन के एक परमाणु की औक्षण संख्या कितनी होती है, तो ये मैंने आपको इसमें बताया था कि हेलोजन फैमिली की औक्षण संख्या कितनी होती है माइनस के बन होती है। देखो ये आएगा फ्लोरीन, तो इसकी औक्षण संख्या कितनी हो जाएगी माइनस के बन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ले लेंगे माइनस के बन, और बराबर के लगा देंगे जीरो। ठीक है दोस्तों, बाकी से सॉल्व कर लेंगे, एक्स माइनस के दो बराबर के जीरो, और ये इधर आ जाएगा तो आ जाएगा प्लस के दो। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या निकल आ जाएगी प्लस के दो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है CaCaH2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीजन संख्या होगी। तो यहाँ पर इसको हाइड्रोजन की ऑक्सीजन संख्या बतानी है,
तो हमें पता होना चाहिए कैल्शियम की औक्षण संख्या होती है प्लस के टू, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेंगे प्लस के टू, प्लस चार्ज लगाएंगे हाइड्रोजन के निकालनी है तो ये 2x ले लेंगे, ठीक है, बराबर के 0। तो ये प्लस के 2 है, इधर जाके हो जाएगा माइनस के हो जाएगा, तो ये 2x बराबर के माइनस के 2, और इस 2 से 2 कट जाएगा और इसका x का मान आ जाएगा माइनस के 1। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की औक्षण संख्या कितनी है यहाँ पर, माइनस के 1, ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है NH4+ में नाइट्रोजन की औक्षण संख्या क्या होगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की औक्षण संख्या बतानी है तो इसे x मान लेंगे, प्लस यहाँ पर चार हैं हाइड्रोजन के, तो चार गुणा के एक हाइड्रोजन के परमाणु की औक्षण संख्या होती है प्लस के 1, तो ये 1 ले लेंगे और बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर आ गया माइनस, प्लस का आए, मतलब इसका जो धन आवेश है ये प्लस का, तो यहाँ पर एक है तो इसलिए प्लस के 1 एक आवेश लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पर कुछ नहीं होता तो यहाँ पर 0 लेते, लेकिन यहाँ पर एक आवेश है प्लस का, तो इसलिए हमने प्लस का 1 ले लिया, ठीक है। बाकी से सोल्व कर लेंगे, एक्स प्लस के 4 × 4 बराबर के प्लस के 1, और ये इधर का जाएगा तो ये बचेगा माइनस के 4 + 1, और एक्स का मान निकल कर जाएगा माइनस के 3, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की जो औक्षण संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस के 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है K2Cr2O7 में क्रोमियम की औक्षण संख्या होगी, तो यहाँ पर इसकी क्रोमियम की औक्षण संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हम पोटेशियम की औक्षण संख्या लिख लेते हैं, तो इस पर दो परमाणु हैं पोटेशियम के, तो यहाँ पर 2 × पोटेशियम के एक परमाणु की औक्षण संख्या होती है प्लस के 1, ठीक है, प्लस लेंगे। क्रोमियम के दो परमाणु हैं तो इसे 2x ले लेंगे, प्लस लगाएंगे 7, और गुणा के ऑक्सीजन की औक्षण संख्या होती है माइनस के 2, ठीक है दोस्तों, और बराबर के यहाँ लेंगे 0, क्योंकि यहाँ पर इस पर कोई भी आवेश नहीं है लगा हुआ, ठीक है दोस्तों। तो इस अब इसे सोल्व कर लेंगे, 2 × 2 प्लस के या जाएगा 2x, और ये 7 × 2 = 14 माइनस के बराबर के 0, ठीक है दोस्तों। ये बचेगा 2x माइनस के 12, 14 में से 2 जाएंगे तो माइनस के 12 बचेगा बराबर के 0, और ये आ जाएगा 2x बराबर के, इधर जाएगा ये तो प्लस में हो जाएगा, और ये कट चुका आ जाएगा प्लस के 6। तो यहाँ पर क्रोमियम की औक्षण संख्या कितनी हो जाएगी, प्लस के 6, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है NaOCl में क्लोरीन की औक्षण संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर बतानी है क्लोरीन की औक्षण संख्या। तो सोडियम की औक्षण संख्या होती है प्लस के 1, ठीक है, प्लस लगाएंगे। ऑक्सीजन की औक्षण संख्या होती है माइनस के 2, ठीक है दोस्तों, और क्लोरीन की निकालनी है तो प्लस के एक्स लगाएंगे, और यहाँ पर बराबर के ले लेंगे 0। 0 क्यों लेंगे हम, क्योंकि इस पर कोई भी आवेश नहीं है पूरे पर, ठीक है, और इसे सोल्व कर लेंगे तो प्लस के 1 ये माइनस के 2 हो जाएगा, प्लस के एक्स बराबर के 0, तो ये बन जाएगा माइनस के 1 प्लस के एक्स बराबर के 0, और एक्स का मान आ जाएगा प्लस के 1। तो यहाँ पर क्लोरीन की जो औक्षण संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी, प्लस के 1, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है Cl3 में क्लोरीन की ऑक्सीजन संख्या होगी, तो यहाँ पर बतानी है क्लोरीन की ऑक्सीजन संख्या। तो इसे एक्स मान लेंगे, प्लस लगाएंगे, और ये 3 × के ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन संख्या होती है वो माइनस के 2 होती है, ये आपको पता होना चाहिए, बराबर चिन्ह लगाएंगे। और यहाँ पर देखो ऋण आवेश आया, ठीक है, तो इसलिए हम क्या लेंगे, माइनस का 1 ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर प्लस का होता तो प्लस का 1 लेते, और माइनस का यहाँ पर तो माइनस का 1 लिया। अगर यहाँ पर माइनस माइनस के 2 होते तो यहाँ पर माइनस का 2 लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी से सोल्व कर लेंगे, तो एक्स प्लस के 3 × 6, यहाँ पर माइनस के आ गए, माइनस के 6 बराबर के माइनस के 1, और ये इधर को जाएगा तो प्लस के बन जाएगा, एक्स बराबर के प्लस के 6 माइनस के 1, और इसे सोल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा प्लस के 5, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है KMnO4 में Mn की ऑक्सीजन संख्या होगी, तो यहाँ पर बतानी है Mn की, Mn की ऑक्सीजन संख्या निकालने यहाँ पर, तो इसे x मान लेंगे, और यहाँ पर पोटेशियम की प्लस के 1 लिख देंगे, प्लस x ले लेंगे इसका मान, प्लस के 4, और ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या होती है माइनस के 2, तो गुणा के माइनस के 2 ले लेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पर एक ऋण आवेश है तो यहाँ पर माइनस के 1 लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। और इसे सोल्व कर लेंगे, यह बन जाएगा प्लस के 1 प्लस के एक्स माइनस के 4 × 8 हो जाएगा ये, बराबर के माइनस के 1, ठीक है, इसे सोल्व कर लेंगे तो एक्स माइनस के 7 बचेगा, 8 में से 1 जाएगा, ये माइनस के 7 बचेगा बराबर के माइनस के 1, ये इधर को जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, एक्स बराबर के प्लस के 7 माइनस के 1, ठीक है, और इसे सोल्व करके कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस के 6, ठीक है दोस्तों। ये आ जाएगा Mn की ऑक्सीजन संख्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है H2S2O8 में
सल्फर की औक्षण संख्या होगी, यानी कि इसकी सल्फर की औक्षण संख्या इसमें बतानी है। तो यहाँ पर इनके सबके मान लिख लेंगे दो, और हाइड्रोजन की प्लस की बन होती है तो एक लिख लेंगे प्लस, और सल्फर के यहाँ पर दो परमाणु हैं तो इसलिए 2x लेंगे प्लस, हाइड्रोजन के 8 हैं गुणा के, और सॉरी ऑक्सीजन के 8 हैं, और ऑक्सीजन के जो परमाणु संख्या होती है वो परमाणु मतलब कि औक्षण संख्या होती है वो माइनस के 2 होती है, ठीक है, और बराबर का चिन्ह लगा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 0, क्योंकि इनकी औक्षण संख्या पूरी कितनी है 0, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की 2 1 से गुणा करेंगे, 2 के 2 प्लस 2x माइनस के 8 दूनी 16 बराबर के 0, ठीक है दोस्तों। और इस सोल्व करेंगे 2x माइनस के 14 बराबर के 0, और ये आ जाएगा 2x बराबर के 14 प्लस का आ जाएगा, ये इधर को जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये काट देंगे तो आ जाएगा इसका आंसर प्लस के 7, ठीक है दोस्तों। ये बन जाएगी सल्फर की औक्षण संख्या प्लस के 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, Cr2O7 में क्रोमियम की औक्षण संख्या होगी। तो यहाँ पर यहाँ बताना है इसकी क्रोमियम की औक्षण संख्या, तो क्रोमियम की यहाँ पर दो परमाणु तो ये 2x ले लेंगे, ठीक है दोस्तों, प्लस ऑक्सीजन के 7 है गुणा के, ऑक्सीजन की परमाणु मतलब ऑक्सीजन की औक्षण संख्या कितनी होती है माइनस के 2 होती है, बराबर चिन्ह लेंगे। अब देखो यहाँ पर है -2 चार्ज, तो यहाँ ले लेंगे -2, ठीक है दोस्तों। बाकी से सोल्व कर लेंगे 2x, और ये 7 दूनी 14 है माइनस के, बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 2, ये माइनस के 14 इधर जाके हो जाएगा प्लस के हो जाएगा, तो 2x बराबर के प्लस के 14 माइनस के 2, ये बन जाएगा 2x बराबर के 12 प्लस के 12 आ जाएगा, और 2 से काटेंगे ये 6 बार जाएगा, तो x का मान आ जाएगा प्लस के 6। तो यहाँ पर क्रोमियम की औक्षण संख्या कितनी हो जाएगी प्लस के 6, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KClO4 में क्लोरीन की औक्षण संख्या होगी। तो यहाँ पर बताना क्लोरीन की औक्षण संख्या, तो पोटेशियम की औक्षण संख्या होती है प्लस के 1, प्लस चार्ज लगाएंगे, क्लोरीन को एक्स मान लेंगे प्लस लगाएंगे, ऑक्सीजन के 4 परमाणु तो 4 गुणा के माइनस के 2 होती है ऑक्सीजन की औक्षण संख्या, ठीक है, बराबर चेन लेंगे और यहाँ पर ले लेंगे 0, ठीक है, 1 प्लस के एक्स, और ये 4 दुनी 8 हो जाएगा माइनस के बराबर के 0, और एक्स माइनस के यहाँ पर 8 में से 1 जाएगा तो माइनस के 7 बचेगा बराबर के 0, और एक्स का मान आ जाएगा प्लस के 7, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्लोरीन की जो औक्षण संख्या निकल आ जाएगी वो आ जाएगी प्लस के 7, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NO3 और HPO3 में नाइट्रोजन और पोटेशियम की औक्षण संख्या होगी। तो यहाँ पर इन दोनों की औक्षण संख्या बतानी है, यहाँ पर नाइट्रोजन की निकालनी है और यहाँ पोटेशियम की औक्षण संख्या निकालनी है। तो इसमें निकाल देंगे हम नाइट्रोजन को ले लेंगे एक्स प्लस के, ऑक्सीजन के 3 ले लेंगे यहाँ पर परमाणु गुणा के, ऑक्सीजन के 1 परमाणु की मतलब कि ऑक्सीजन संख्या होती है माइनस के 2 बराबर के, यहाँ पर 1 माइनस का चार्ज है तो यहाँ पर माइनस के 1 ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। और इसे सॉल्व कर लेंगे एक्स प्लस के, यहाँ पर माइनस के आएगा 3 दूनी 6 बराबर के माइनस के 1 आ जाएगा, और ये इधर जाएगा तो प्लस के 6 हो जाएगा, और यहाँ माइनस के 1 ये है तो ऑक्सीजन यहाँ पर बन का आ जाएगा 5। यहाँ पर नाइट्रोजन की जो ऑक्सीजन संख्या निकल कर आएगी वो आ जाएगी 5, ठीक है दोस्तों। अब लेते हैं इस वाले को, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीजन संख्या हो जाएगी 1 प्लस पोटेशियम को एक्स मान लेंगे, और ऑक्सीजन की 3 गुणा के यहाँ पर माइनस के 2 होगी ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, बराबर ले लेंगे माइनस मतलब कि 0 प्लस 1 एक्स माइनस के 3 दूनी 6 बराबर के 0, और ये एक्स माइनस के 5 आ जाएगा बराबर के 0, और एक्स का मान जो निकल कर आएगा वो प्लस के 5 आ जाएगा, तो पोटेशियम की जो ऑक्सीकरण संख्या निकल कर आ जाएगी तो वो आ जाएगी प्लस के 5, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HSO3 में सल्फर की ऑक्सीजन संख्या होगी। तो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीजन संख्या ज्ञात करनी है, तो हाइड्रोजन की लिख देंगे प्लस के 1 प्लस के एक्स ले लेंगे सल्फर की जगह प्लस के 3 ये वाला गुणा के, ऑक्सीजन की होती है माइनस के 2 ऑक्सीजन संख्या बराबर के, यहाँ पर 1 चार्ज है तो माइनस के 1, ठीक है दोस्तों। इसे सोल्व कर लेंगे प्लस के 1 प्लस के एक्स, और ये 3 दूनी 6, और यहाँ आ जाएगा माइनस के 1, एक्स बराबर का जाएगा एक्स माइनस के 5, 6 में से 1 जाएगा तो माइनस के 5 बचेगा बराबर के माइनस के 1, और ये आ जाएगा एक्स इधर जाएगा तो प्लस में बन जाएगा माइनस के 1, और एक्स का मान जो निकल का जाएगा वो आ जाएगा प्लस के 4, ठीक है दोस्तों। ये सल्फर की ऑक्सीजन निकल आ जाएगी प्लस के 4। नेक्स्ट है, P2O7 में फास्फोरस की ऑक्सीजन संख्या होगी। तो यहाँ पर P की ऑक्सीजन संख्या निकालनी है, तो ये मान लेंगे इसे 2x, यहाँ पर 2 है तो इसलिए 2x लिया, प्लस के 7 गुणा के माइनस के 2 बराबर के यहाँ जाएगा 4, यहाँ पर माइनस के 4 लेंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर माइनस के 4 आवेश है तो इसलिए माइनस के 4 लिया है।
तो इसे सॉल्व कर लेंगे, 2x माइनस के 7 दूनी 14, बराबर के माइनस के 4, और ये आ जाएगा 2x, इधर आ जाएगा ये प्लस में, तो 14 माइनस के 4, और यहाँ पर आ जाएगा 2x बराबर के यहाँ 10 बन जाएगा, ठीक है। और इसे काट लेंगे तो ये 5 बार जाएगा, x का मान निकल कर आ जाएगा प्लस के 5, तो यहाँ पर इसकी फंक्शन कितनी आ जाएगी, प्लस के 5, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीजन संख्या होगी, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की ज्ञात करनी है, तो इसे इसके ले लेंगे प्लस के 1, प्लस के नाइट्रोजन की जगह ले लेंगे एक्स, प्लस के 3, और ऑक्सीजन की होती है माइनस के 2, बराबर के ले लेंगे 0, क्योंकि इस पर कोई भी आवेश नहीं है, ठीक है। तो ये प्लस के 1, प्लस के आ जाएगा एक्स, और ये माइनस के 6 हो जाएगा, बराबर के 0, एक्स बराबर एक्स माइनस के 5 हो जाएगा, ये 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, बराबर के 0, और एक्स का मान आ जाएगा प्लस के 5, ठीक है दोस्तों। तो इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी हो जाएगी, प्लस के 5। नेक्स्ट है, S4O6 में सल्फर की ऑक्सीजन संख्या होगी, तो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीजन संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर सल्फर के 4 परमाणु, तो इसे 4x ले लेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ऑक्सीजन के 6 परमाणु हैं, गुणा, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन के एक परमाणु की ऑक्सीजन संख्या होती है माइनस के 2, बराबर क्या जाएगा, माइनस 2 चार्ज है तो माइनस के 2 ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। बाकी से सोल्व कर लेंगे, 4x प्लस यहाँ पर माइनस लगेगा, प्लस माइनस माइनस होता है, और 6 के 2 से गुणा करेंगे 12 आ जाएगा, बराबर का जाएगा माइनस के 2, ठीक है। 4x और ये माइनस के 12 है, इधर जाएगा प्लस के हो जाएगा, तो बराबर के 12 माइनस के 2, ठीक है दोस्तों। 4x बराबर के जाएगा 10, और x बराबर क्या जाएगा 10/4, 2 5 10 और 2 2 4, तो इसकी ऑक्सीजन संख्या बन जाएगी 2 2 4 2.5, ठीक है दोस्तों, इसकी ऑक्सीजन संख्या बन जाएगी 2.5। नेक्स्ट है, Mg2P2O7 में पी की ऑक्सीजन संख्या होगी, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन संख्या ज्ञात करनी है, तो दोस्तों मैग्नीशियम की ऑक्सीजन संख्या होती है प्लस के 2, ये आपको पता होना चाहिए, और इस पर 2 चार्ज है, मतलब कि 2 परमाणु इसके, तो 2 गुणा के प्लस के 2, ठीक है, क्योंकि ये इसकी ऑक्सीजन संख्या होती है प्लस के 2 होती है, प्लस के इसके 2 परमाणु हैं, तो 2x ले लेंगे, प्लस के 7 गुणा के माइनस के 2 इसकी ऑक्सीजन संख्या है, बराबर के ले लेंगे 0, इसकी गुणा करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, प्लस के 2x माइनस के 7 दूनी 14, बराबर के 0, ठीक है। और ये 2x माइनस के 10 आ जाएगा, 14 में से 4 जाएगा तो 10 बचेगा, बराबर के 0, 2x ये माइनस का है तो इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, यानी कि 10 आ जाएगा, और 2 से इसे 10 बार काटेंगे तो ये बचेगा 5, प्लस के 5 इसकी ऑक्सीजन संख्या हो जाएगी, ठीक है दोस्तों।